नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण के केसों का उतार चढ़ाव मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को 29 नए संक्रमित सामने आए। सुवाणा में सर्वाधिक 7 केस मिले। आरआरटी टीम प्रभारी घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि बीते 24 घंटे में 886 लोगों की सैंपलिंग की जाकर आरटीपीसीआर जांच की गई। जांच में 29 संक्रमित मिले। इनमें आसीन, शास्त्री नगर, काशीपुरी और चंद्रशेखर आजाद नगर में एक एक, बनेड़ा, बापूनगर, सांगनेर में दो दो, गुलापुरा में 5, जहाजपुर से 4, कोटड़ी में 3 और सुवाणा में 7 संक्रमित मिले हैं। रामसनी संप्रदाय के आराध्य महाप्रभु रामचरण महाराज के 302वें प्राकट्य महोत्सव में मंगलवार रामद्वारा में अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय पीठाधीश्वर जगतगुरु आचार्य रामदयाल महाराज ने समारोह में जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यक्ति नाम से नहीं अपने गुणों से पहचान बनती है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय के जनक महाप्रभु भगवान के अवतार छोटे से गांव सोड़ा में जन्म लेकर मानव मात्र के कल्याण और जीवों की रक्षा का संकल्प साधकर जीवन को तप, त्याग और साधना आराधना में लीन रहकर अपने जीवन को राममय बनाया तथा संपूर्ण राष्ट्र और देश को एकता के सूत्र में बांधकर धर्म की राह बताई। उनके बताए मार्ग पर चलने पर हम अपनी आत्मा को पवित्र और देश में राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। कार्यक्रम में शुरुआत में स्थानीय राम द्वारा भंडारी संत, जयराम दास संत, निर्मल राम संत, चेतन राम, ललित राम संत, पप्पू राम, ईश्वर राम, राजा राम आदि राम स्नेही संतों ने महाप्रभु जी महाराज की गुणगान करते हुए कहा कि संसार के कष्टों से मुक्ति पानी है। श्री जी महाराज के बताए पथ को चुनकर ही संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, तभी जन्मोत्सव मनाना सार्थक हो पाएगा। मीडिया प्रवक्ता सुनील चपलोत ने बताया कि जन्मोत्सव समारोह में राम द्वारा ट्रस्ट के दामोदर बिरला, राम प्रसाद बाल्दी, राम स्नेही चिकित्सालय प्रबंधक, कार्यकारिणी के अशोक अजमेरा, बद्रीलाल लड्ढा, ओम प्रकाश झंवर, रमेश चंद्र राठी, कंवरलाल पोरवार, मुरली इनानी, बीएल माहेश्वर, पारसमन पिपाड़ा, रामप्रकाश सोमाणी आदि पदाधिकारियों और भक्तजनों के साथ स्वरूपा महिला मंडल की बहनों ने रामसनी संप्रदाय के आराध्य रामचरण महाराज की महाआरती करते हुए सभी ने आचार्य रामदयाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए महाप्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चारो दिशा बिचरे हरि के हित आप खोजा बिन आयु गुमावे। कहे राम चरण बिनो बिना गुरु ज्ञान जीनो सो मारग हाथ न आवे। स्वामी रामचंद्र कैसे कहते गुरु की कृपा के बिना ये ब्रह्म दर्शन का भक्ति का सूक्ष्म मार्ग है, ये सूक्ष्म मार्ग गुरु कृपा के बिना हाथ नहीं। ठीक लंचना आप कुछ भी देंगे जी का प्रवचन के बाद मैं तो एक रामचरण महाराज का एक सूत्र बता देता हूँ। 37,000 वाणी के शब्द है, उसमें से एक सूत्र बताता हूँ। जीव धर्म का अंश है, जीव धर्म का अंश है, जीव रवि का प्रतिबिंब जोड़ो। जीव या हम और आप क्या है? परमात्मा के ही अंश है। परमात्मा जिनके पीछे चले वो जैन हुए, बुद्ध के पीछे चले वो बौद्ध हुए, स्वामी रामचंद्र जी महाराज राम स्नेह नहीं, साक्षात राम स्नेह। चूको राम स्नेह, साक्षात राम स्नेह और राम के इष्ट के पीछे जो भी चले वो सब राम इष्ट ही हो गए, राम स्नेह हो गए। राम के इष्ट के पीछे काम धाम जाम के इष्ट पीछे चलने वाले। आजादी के अमृत महोत्सव की योजना के अंतर्गत अपना संस्थान द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय कार्यक्रमों के समापन पर एम पुलवामा में 3 वर्ष पूर्व शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों की पुण्य स्मृति में 75 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव विनोद मेलाना द्वारा हरित घर एवं इको ब्रिक्स की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केसी पंचोली पूर्व प्राचार्य बालिका महाविद्यालय ने कहा कि प्रत्येक पौधा एक बच्चा गोद लेकर वर्ष उसकी देखभाल करें। प्राचार्य डॉक्टर मनीषा बटवाल, एनएसएस प्रभारी गीतांजलि वर्मा, पूर्व प्राचार्य केसी पंचोली, नीलम लोकेश सोनी, समस्त संकाय सदस्य के साथ मदन प्रजापत, एनएसएस की स्वयं सेविकाएं आदि उपस्थित थी। विनाश इंसान ने किया, 80% जल जीव का विनाश इंसान ने किया, 50% जंगली जीव का विनाश इंसान ने किया, इसलिए सुधरना किसको है?
आप जंगल में जाओ, जानवर गंदगी भी करता होगा, सब करता होगा, लेकिन आपको नजर आती है कि कभी इतना अच्छा लगता है, कहीं भी जंगल में चले जाओ, अरे यहाँ कितनी सफाई है। नदियां ये नहीं कहती कि मुझे साफ करो, नदियां कहती मुझे गंदा मत करो, बस मैं अपने आप को साफ रख लूंगी। पेड़ ये नहीं कहता कि मुझे लगाओ, पेड़ कहता मुझे काटो मत। ये जिस दिन इंसान को समझ में आ गया, पर्यावरण अपने आप ठीक हो गया। कोरोना ने कितना अच्छा समझाया, ठेठ जलंधर से हिमालय का फोटो, 200 किलोमीटर दूर एकदम हिमालय का साफ फोटो वीडियो वायरल हुआ था, हमने भी देखा होगा। इतना पर्यावरण साफ हो गया, दिल्ली का जो हवा का जो रहता मापदंड वो एकदम नॉर्मल हो गया, जंगली जीव सहज विचरण करने लगे, गांव अच्छा लगने लगे। ये पाव भाजी, ये फास्ट फूड, ये धीरे धीरे इच्छा होने लगी नहीं खाए, घर में रहने की इच्छा होने लगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी फिलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक आचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज का 302 जयंती उत्सव शाहपुरा के रामनिवास धाम में समारोह पूर्वक मनाया। महाप्रभु स्वामी रामचरण के समाधि स्थल स्तंभजी पर रामनिवास धाम के भंडारी संत नवनीत रामजी रामसनेही की अगुवाई में महाआरती वंदना की गई। 31 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण करने के साथ ही 71 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया। बारादरी का अणभेवाणी का पाठ किया गया। महिला मंडल की ओर से भी आकर्षक प्रश्नों की प्रस्तुति दी गई। इससे पूर्व रात्रि में लाल चौक में जयंती उत्सव में रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। रात में समूचे राम द्वारा परिसर को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजाया गया। रामनिवास धाम के भंडारी संत नवनीत रामजी रामसनेही की अगुवाई में सर्व रामसनेही सत्संग जन के तत्वावधान में आयोजित होने वाले उत्सव में राम द्वारा में कैलाश तोषनीवाल ने वाणी जी का पाठ किया। जयंती उत्सव समारोह में महाआरती की गई। कार्यक्रम में महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्या
विद्यापीठ की छात्रा अध्यापिकाओं तथा रामसिनेही संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों की मौजूदगी में ट्रस्टी सूर्य प्रकाश बिरला राजू सोमाणी के निर्देशन में 31 परिवारों को खाद्य सामग्री तथा 71 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। जिला चिकित्सालय में फल वितरण किया गया। बरादरी में आयोजित जयंती उत्सव में रामसिनेही संप्रदाय के संस्थापक आचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज के जीवन व कृतित्व पर राम निवास धाम के भंडारी संत नवनीत रामजी रामसिनेही तथा वरिष्ठ साहित्यकार ब्रजेंद्र सिंगल ने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रामचरण जी के आदर्श राम नाम सुमिरन की आज महती आवश्यकता है। वरिष्ठ साहित्यकार ब्रजेंद्र सिंगल ने रामचरण महाराज के राम नाम को ब्रह्म बताते हुए कहा कि राम नाम में अद्भुत और दिव्य शक्ति है। घोर पापी भी राम नाम के उच्चारण मात्र से मुक्ति पा चुके हैं। क्रोध ऐसी अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, बाद में दूसरों को। क्रोध से बचने के लिए राम नाम का स्मरण कर लेना चाहिए। रामनिवास धाम के भंडारी संत नवनीत रामजी रामसिनेही ने कहा कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है जो कई परीक्षाओं के बाद मिलता है। जीवन के कर्म एवं व्यवहार क्षेत्र में कई बार मनुष्य अपने स्वाभाविक गुणों के विपरीत काम करने लगता है। क्रोध और गुस्से में अंतर है, गुस्सा जरूरी है क्रोध नहीं। अनुशासन की दृष्टि से गुस्सा लाभदायक है। क्रोध कभी अंदर और घर के बाहर भी नहीं करना चाहिए। क्रोध स्वयं पर भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसी घातक अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाएगी और बाद में सामने वाले को। प्रभु का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से शाहपुरा प्रमुख पीठ पर मनाया गया। जैसा कि महाप्रभु ने वाणी जी में फरमाया है कि आरती सुमिरन सेवा कीजे सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे, तो जीव मात्र की सेवा करते हुए आज खाद्य सामग्री का वितरण हुआ, अस्पतालों में फल वितरण हुए, बच्चों को काफ़ी किताब पुस्तकें वितरण हुई और महाआरती का आयोजन हुआ। बड़े ही हर्ष उल्लास के आनंद के साथ में आसपास के क्षेत्र से, अहमदाबाद से, इंदौर से, टोंक से सभी रामसिनेही भक्तों का आगमन हो रहा है और बड़े ही आनंद से यह कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। आज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज का प्राकट्योत्सव है। वो महान राम नाम जापक, राम नाम के उपासक थे। उन्होंने अपने जीवन में बार बार राम नाम की उपासना की, बार बार कहा और उनके अनुयायियों ने भी इस बात को माना कि उनका रूप राम का रूप ही है और वे राम रूप ही थे। और उन्होंने अपनी वाणी में बार बार कहा कि जूँ बेल वृक्ष को है, जैसे बेल का और वृक्ष का आपस में स्नेह होता है, उसी तरह राम नाम जपने वाले का और राम नाम के प्रति आपसी स्नेह होना चाहिए। और जब वो परम धाम पधारे तब उनके होठ हिलते रहे, राम नाम का स्मरण होता रहा, उनकी भस्मी से भी बार बार राम नाम की आवाज़ आती रही। उन्होंने अपने जीवन में ये चरितार्थ करके बताया कि उनका जीवन राम नाममय था। भीलवाड़ा वेपर फाउंडेशन ने सीए में उत्तीर्ण हुई ब्राह्मण समाज की मेधावी बेटियों के उत्साहवर्धन करने के अपने कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। जिला उपाध्यक्ष गोपी दादा ने बताया कि सम्मान समारोह में सीए फाइनल में सफल होने वाली रमांशी शर्मा वंदना शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, जिला अध्यक्ष दीपक सुल्तानिया, शैक्षणिक प्रकोष्ठ प्रभारी संजय शर्मा, प्रदेश महामंत्री मानसी शर्मा, महामंत्री बिंदिया शर्मा, दिनेश शर्मा ने दुपट्टा, प्रशस्ति पत्र एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दोनों बेटियों ने कहा कि कोई भी परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती, बस अपने धैर्य के साथ लगन से परिश्रम की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज के छात्रों को सीए बनने के लिए प्रेरित करने व उनको हर संभव मदद करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नीरू चतुर्वेदी, कल्पना सुल्तानिया, मोनिका, साधना भट्ट, अनुराधा ओझा, संजय शर्मा, दीपक गौड़, केशव शर्मा, पार्थ गौतम सहित कई सदस्य उपस्थित थे। पुरानी अरवड़ से डियास के पास मोडाराडा चौराहे तक जाने वाला मार्ग कच्चा उबड़ खाबड़ व मार्ग में बड़े बड़े गहरे खड्डे होने के कारण इस मार्ग पर गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डियास गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता कच्चा है, उबड़ खाबड़ व मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, मार्ग पर कीचड़ हो रहा है। बरसात में तो मार्ग पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। वाहन चालक व राहगीर मार्ग पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। मार्ग पर हो रहे गड्ढों के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को निकलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों से इस मार्ग पर सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, कई ज्ञापन दिए लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिजोलिया में विजयवर्गीय समाज ने मंगलवार को रामचरण महाराज की 302वीं जयंती महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
समाज द्वारा इस मौके पर सुबह 12 बजे स्थानीय राम द्वारा में महाआरती कर शोभा यात्रा प्रारंभ की, जो कस्बे के पंचायत चौक, बड़ा दरवाजा, कोली मोहल्ला, रावला चौक, चारबुजा चौक, लाल बरली, गणेश बरली, सदर बाजार, सब्जी मंडी, बूंदी रोड होते हुए विजय वर्गीय मांगलिक भवन पहुंची। चुलस का समाज के लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। महिलाएं चुनरी वेशभूषा में भक्ति में भजनों पर नाचते गाते चल रही थी। शोभा यात्रा 4 बजे समाज के मांगलिक भवन पहुंची, जहां विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में समाज के घनश्याम गोपालाल, शंकरलाल चांदमल, पुरुषोत्तम जगदीश चंद्र ओम प्रकाश, अध्यक्ष प्रमेंद्र विजय, युवा अध्यक्ष अंकित विजय, राजीव विजय, महिला मंडल अध्यक्ष सुशीला विजय सहित समाज की कई महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे मौजूद थे। इससे पूर्व सोमवार को पुलवामा हमले में शहीद शूरवीरों की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्तदान हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, मांडलगढ़ पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय, बिजोलिया पूर्व प्रधान नीता विजयवर्गीय, ग्राम पंचायत बिजोलिया सरपंच पूजा चंद्रवाल, उप सरपंच प्रेम देवी मेवाड़ा, उप प्रधान कैलाश ठाकड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा, पंचायत समिति सदस्य हितेंद्र सिंह राजोरा, समाज सेवी शिव चंद्रवाल, शक्ति नारायण शर्मा, अनिल शर्मा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष शेखर चंद्रवाल, सहयोग सेवा संस्थान भिलवाड़ा के गोपाल विजयवर्गीय, हेमंत गर्ग आदि ने दीप प्रज्वलित कर महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित किए। जिले के कोदूकोटा गांव में पूरन तेली ने अपनी बेटी की शादी के साथ साथ तुलसी जी का विवाह करवाया। कोदूकोटा भगवान चारभुजानाथ की सुबह बैंड बाजों के साथ निकासी व बिंदोली निकाली। बिंदोली में गांव की महिलाएं व बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल थे। महिलाएं नाचते गाते हुए भगवान चारभुजानाथ की बारात में गई। भगवान चारभुजानाथ का विधि विधान से तोरण हुआ। पूरन तेली ने सभी बारातियों का स्वागत किया। बारात में जगदीश जोशी, भेरूलाल पुरोहित, राजेश सेन, शंकरलाल कीर, पवन कुमार पारिक, सत्यनारायण टेलर, राधेश्याम कीर, शंकर पाराशर, सत्यनारायण वैष्णव, सुरेश पारिक, जगदीश कीर, सुनील पारिक व गांव की महिलाएं बुजुर्ग सभी शामिल थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर संभाग प्रभारी प्रसन्न मेहता के निर्देशानुसार वे भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली के नेतृत्व में रीट की परीक्षा में हुई धांधली से 16 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर जयपुर में विधानसभा का घेराव धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि जयपुर में विधानसभा पर होने वाले घेराव धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भिलवाड़ा जिले से सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिला प्रभारी रतनलाल गाड़ी, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, जिले से विधायक पिटल शंकर अवस्थी, गोपाल खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, जब्बर सिंह सांकला, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, डॉ रतनलाल जाट, पूर्व विधायक डॉ बी आर चौधरी, रामलाल गुर्जर, नगर परिषद उपसभापति रामनाथ योगी, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, नरेश मीणा, वाइस चेयरमैन सावरनाथ योगी, हीरालाल जोशी, शिवांगी कानावत, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मुरलीधर जोशी, वेद प्रकाश खटीक आदि ने उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।